हेलो स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो सीरीज के दूसरे लेक्चर औद्यानिकी के महत्व भाग एक में मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि औद्यानिकी का कितना क्षेत्रफल और उत्पादन है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं औद्यानिक फसलों का जो कुल क्षेत्रफल था 2020 और 21 के अंतिम एस्टिमेट के अनुसार वो 27.48 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि उत्पादन जो था 334.60 मिलियन टन है। बाकी की फल फसलें हों, चाहे सब्जी फसलें हैं, रोपड़ फसलें हैं, उनका भी आपको यहाँ पे क्षेत्रफल और उत्पादन दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में ही मशालों से संबंधित और पुष्पों से संबंधित, शहद से संबंधित भी यहाँ पे उत्पादन दिया गया है, उत्पादन के डेटा दिए गए हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो और जानते हैं औद्यानिकी फसलों का क्या महत्व तो होता है। तो सबसे पहले औद्यानिकी फसलों के महत्व को जानने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आर्थिक महत्व पे बात करते हैं। तो औद्यानिकी फसलों के आर्थिक महत्व में जो सबसे पहला महत्व है, अधिक आय वाली फसलें हैं। तो प्रति क्षेत्रफल औद्यानिकी फसलें जो होती हैं ज़्यादा आय देती हैं। इनका कारण है इनका अधिक उत्पादन देना और इनकी जो वैल्यू होती है वो फूड ग्रेन से ज़्यादा होती है, तो इससे जो है अधिक आय हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा ये विदेशी मुद्रा का भी स्रोत हैं। बहुत सारी औद्यानिकी फसलें, चाहे आम हो, सेब हो या फिर अंगूर हो, भारत इसको निर्यात करता है। साथ ही में साथ जो है पुष्पों का भी भारत जो है निर्यात करता है, और जिससे कि हमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और भारत में जो है विश्व भर में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार है। जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार होगा, वैसे उतना ही अधिक जो है भारत अपनी ज़रूरत के सामान को अच्छे से आयात कर सकेगा। ये भारत के लोगों की संपदा को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा औद्यानिकी से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो व्यक्ति करता है। तो इसमें आपको जो है सरकारी, गैर सरकारी और मल्टीनेशनल कंपनीज में भी रोजगार मिलते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही औद्यानिकी फसलें जो हैं औद्योगिकीकरण के प्रति जो हैं सुसंगत हैं। जितनी भी रोपड़ फसलें हैं, रोपड़ फसलों में जो है हमेशा मानव संपदा की आवश्यकता होती है और रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग लगाए जाते हैं, क्योंकि जितनी भी रोपड़ फसलें हो, चाहे नारियल हो, चाहे ऑयल पाम हो, चाहे सुपारी हो, कॉफ़ी, ची, कोकोवा हो, इनके उद्योग काफ़ी मात्रा में भारतवर्ष में और पूरे विश्व में प्रचलित हैं, जहाँ पे लोग जो है रोजगार प्राप्त करते हैं। साथ ही इसका पर्यावरणीय महत्व भी है। तो पर्यावरणीय महत्व की अगर बात करें तो सबसे पहले ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं। जितने भी पौधे जिनकी पत्तियाँ चिकनी होती हैं, बैक्सी होती हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल्स को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे कि वायु में उपस्थित जो सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल हैं वो उनकी पत्तियों में चिपक जाते हैं और लोगों को जो है वायु प्रदूषण से राहत मिल जाती है। साथ ही साथ आप ये ध्वनि प्रदूषण भी अल्पक हैं। आपने ग्रीन मफलर का नाम सुना होगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये मृदा प्रदूषण को भी कम करते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मृदा में मिले हुए जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको निकालने में मदद करते हैं, और इस चीज़ को जो है फाइटो रिमेडिएशन कहते हैं। साथ ही साथ ये जल प्रदूषण भी अल्पक हैं। बहुत सारी लिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे जलीय पौधे हैं जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं और जल को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ तापमान नियंत्रण भी करते हैं। जहाँ पे पौधे होते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को ट्रैप करने के लिए जानी जाती है। इसलिए जो है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है वहाँ पे तापमान अपने आप कम रहता है और पौधे इसमें तापमान कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। पौधे जो हैं सीमेंट एजेंट का काम करते हैं, सीमेंट की तरह काम करते हैं और मृदा के कणों को पकड़ लेते हैं, जिससे मृदा के कण टूट नहीं पाते हैं और दूसरी जगह बह नहीं पाते हैं और अपरदन नहीं होता है। साथ ही साथ धूल भी नहीं उड़ती है जो हवा की गुणवत्ता को ख़राब करती है। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला में भी औद्यानिक फसलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एक कोशिकीय जीव से लेकर बहु कोशिकीय जीव जो हैं औद्यानिक फसलों पे निर्भर हैं। इसके अलावा कुछ पोषण के महत्व हैं, जैसे आप लोग जानते हैं फल एवं सब्जियों को जो है प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है और विटामिन की कमी से बहुत सारे विकार भी हो जाते हैं, जैसे रतौंधी रोग हो जाना, जीरोफिलीमिया हो जाना, अन्य रोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है खनिजों के स्रोत हैं, और खनिजों की कमी में भी हमारी बॉडी पूरी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है और कोई ना कोई विकार आ ही जाता है। इसके अलावा अमीनो अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं। कुछ हमारे दैनिक जीवन को चलाने के लिए या बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए जो है जैविक प्रोसेस हो, जैविक प्रोसेस करने के लिए हमें अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, और अमीनो अम्ल आपने
महत्वपूर्ण इसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम आपने सुना होगा, वो भी हमें फल एवं सब्जियों से मिल जाते हैं। जैसे अनानास जो है मैथ्योनिन का एक प्रचुर स्रोत है, इसके अलावा प्रोटीन के भी जो औद्यानिक फसलें होती स्रोत होती हैं, तो इसमें जैसे बीन्स जितनी हैं या मटर सब्जी वाली है उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा जो है वसा का भी स्रोत है, तो जैसे ऑयल पाम है तो ऑयल पाम से जो है वसा निकाली जाती है, तेल बनाया जाता है। और अभी रूस का जो वार हुआ उसके कारण जो है भारतवर्ष में तेल की कमी हो गई, यूक्रेन से आ नहीं पाया, आयात नहीं हो पाया, तो भारत सरकार जो है ऑयल पाम उगाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। इसके अलावा औषधि स्रोत भी हैं फल के, ऐसे जो हमारे हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों, या औषधि पौधे हों, या सुगंधित पौधे हों, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो है द्वितीयक क्षारक पाए जाते हैं, इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग जो है औषधि निर्माण में एवं एरोमाथेरेपी में किया जाता है। इसके अलावा कुछ इसके सामाजिक महत्व भी हैं, जैसे कि ये जो है पंथिक महत्व होता है, हर पंथ होता है, जैसे हिंदू पंथ के अनुसार जो है हम फूलों को भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे विष्णु भगवान से कमल का फूल संबंधित है, लक्ष्मी माता से भी कमल का फूल संबंधित है, ऐसे ही सेमल का फूल जो है शिव जी से संबंधित है, तो बहुनिया का फूल जो है सरस्वती माता से संबंधित है, वैसे ही जो है मुस्लिम धर्म में अगर देखे जाए तो सफ़ेद फूलों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म में जाते हैं तो बौद्ध धर्म में अगर हम देखेंगे तो प्लूमेरिया अल्वा जो है गुलाचीन का ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा हम त्यौहारों में जो है फूलों का उपयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो त्यौहार हैं वहाँ पे जो स्थानीय पुष्पों का हम उपयोग करते हैं। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानीय त्यौहार हैं जिसमें कि हम फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के फूलों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मांगलिक महत्व, तो मांगलिक कार्य कोई भी हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे फूलों की साज सज्जा की जाती है, चाहे अतिथियों का ग्रह हो या फिर विवाहोत्सव हैं हो रहे हैं, तो वहाँ पे जयमाला की स्टेज हो उसमें फूलों और फलों से सज्जा की जाती है। इसके अलावा जो है भावनात्मक महत्व भी है, व्यक्ति अपनी भावना को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए फूल देता है, जैसे किसी को प्यार का इजहार करना है तो लाल गुलाब देता है, अगर किसी को बताना है कि आप बलगर माइंड हो तो उसके लिए आप मैरीगोल्ड देते हैं, तो ऐसे ही सैड अगर सौरो है तो उसमें रेत का यूज होता है, तो बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जो भावनात्मक महत्व रखते हैं, ये हम जो है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ राजनीतिक महत्व हैं, तो देश के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राज्यीय संबंध हैं वो भी बहुत सारी औद्यानिक फसलों पर निर्भर करते हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका ने जब भारत के आम को बैन किया था, भारत ने अन्य जो कॉमोडिटीज़ थी उनको भी एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, और जिसके बाद जो है इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में थोड़ा सा खटास सी आई थी, लेकिन फिर जो है अमेरिका ने भारत के आमों को आयात करने के लिए राजी हो गया। इसके अलावा कुछ अंतर्राज्यीय संबंध भी हैं जो औद्यानिक फसलों को एक दूसरे से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम आपको भाग 2 में बताएंगे। इसके अलावा कुछ विविध महत्व भी हैं, लोग प्राकृतिक आनंद और उपचार लेने के लिए भी औद्यानिकी का महत्व लेते हैं, साथ ही साथ जैसे आर्थिक महत्व में एक और कह सकते हैं, आजकल इको टूरिज्म बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो प्रत्येक देश के नागरिक जो हैं दूसरे देशों में जो है पर्यावरणीय आनंद लेने के लिए इको टूरिज्म करते हैं, तो शायद छूट गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इतने आप महत्व लिख दोगे परीक्षा में तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं आर्थिक महत्व पे आएँ, तो आर्थिक महत्व की बात करें तो जो औद्यानिकी फसलें हैं तो भारत का जितना भी जीवी है उसमें 6% भागीदारी रखती हैं, कृषि जो है 17.88% के आसपास है, यानी कि लगभग कृषि का 33% भाग जो है औद्यानिकी से जीवीए में जाता है। जीवीए का मतलब यह है कि अगर आपने कोई वस्तु जो है 20 रुपये में बेची और उसका लागत मूल्य जो है 16 रुपये आया, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ मिला के, मशीनरी कास्ट वगैरह मिला के, तो आपको शुद्ध लाभ कितना हुआ? 4 रुपये हुआ, तो 4 लाभ को ही हम क्या कहेंगे? सकल मूर्त वर्धन कहेंगे। तो भारत की जो सकल मूल्य वर्धित है जीवीए, उसमें 6% जो भागीदारी है औद्यानिकी की है। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल आप 27.48 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि कुल उत्पादन जो है 334.60 मिलियन टन है। औद्यानिकी का आंध्र प्रदेश के अगर सकल घरेलू उत्पाद में देखा जाए, जीडीपी में देखा जाए, तो 17.16% भाग है, जबकि भारत में जीवीए में 6% है, आप इसमें देख सकते हैं। तो औद्यानिकी फसलें अन्य फसलों की तुलना में 5.5 गुना ज़्यादा उत्पादन करती हैं, फूड ग्रेन ले लो या दूसरी फसलें ले लो, उनसे ज़्यादा अधिक उत्पादन जो है औद्यानिकी का इस समय है। ये यहाँ पे एक हार्टिकल्चर ऑन राइज नाम जो इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा ये एक ग्राफ दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि 2012-13 से जो है हॉर्टिकल्चर
राइज कर गया फूड ग्रेन्स के ऊपर। इससे पहले हमेशा हॉर्टिकल्चर का जो उत्पादन रहता था वो फूड ग्रेन्स से कम रहता था, और ये कभी कभी पूछ भी लेता है किस साल से जो है हॉर्टिकल्चर जो है राइज कर गया फूड ग्रेन से, तो 2012-13 में। और उसके बाद लगातार जो है फूड ग्रेन्स के ऊपर राइज करते हुए जो है आज जो है 334.620 मिलियन टन इसका उत्पादन हो चुका है। इसके अलावा इसके द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन भी किया जाता है, और ज़्यादातर जो विदेशी लेन देन होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं, और भारत इस समय जो है विश्व में चौथा स्थान है सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा रखने के मामले में। तो भारत ने 2021-22 में अगर देखा जाए तो फूलों की जो निर्यात किया था फूलों का, उससे 103.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। और ये फूल जो निर्यात किए गए, यूएसए में निर्यात किए गए, नीदरलैंड में निर्यात किए गए, जर्मनी में, यूके में, संयुक्त अरब अमीरात में, कनाडा और इटली में किए गए। भारत में 300 से अधिक जो हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, यानी निर्यातों मुख्य इकाइयाँ हैं किसके लिए, फूलों के लिए। और फूलों की सबसे बड़ी जो मार्केट कहाँ पर, अलसमीर नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड जो है हरियाणा से भी छोटे क्षेत्रफल वाला देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा फूलों को बेचता है, और उसकी जो इकोनॉमी है फूलों पे ही निर्भर है। फूलों के खेती के 50 से अधिक उत्पादों का उत्पादन जो है 50% से अधिक उत्पाद कहाँ होता है, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, चार स्टेट करते हैं। इसके अलावा 2020-21-22 के दौरान कुल मिलाकर 1,527.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ताजे फल और सब्जियों का निर्यात किया गया, जिसमें 750.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के फल और 5,745.54 करोड़ रुपए या 767.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्जियां जो थी वो शामिल हुई जिनका निर्यात किया गया। इसके अलावा जो है 2021-22 में ही दालों सहित अगर देखा जाए जो हमारे प्रोसेस्ड फल होते हैं, प्रसंस्कृत फल होते हैं, जैम, जेली या फिर कैंड फल हो गए, इनका जो निर्यात किया गया वो कुल मिलाकर 1,724.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और जिसमें दाल सहित प्रसंस्कृत सब्जियां जो थी 8,308.04 करोड़ रुपए की, यानी 1,114.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और प्रसंस्कृत फल और जूस जो है केवल 610.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो है निर्यात किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि उद्यानिकी फसलें इस डेटा से के आधार पर आप कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा अर्जन की एक प्रमुख जो है स्रोत हैं। इसके अलावा रोजगार सृजन की बात करें तो औद्यानिकी आधारित कुछ रोजगार हैं, जैसे औद्यानिकी आधारित उद्योगों में रोजगार, जो भी औद्यानिकी से संबंधित उद्योग है, चाहे वो गमले का उद्योग हो, चाहे वो फेनी बनाने का उद्योग हो, चाहे वो वोडका बनाने का उद्योग हो, चाहे वो सुपारी का उद्योग हो, चाहे वो ऑयल पाम से ऑयल निकालने का उद्योग हो, तो उसमें रोजगार हैं और वहाँ पे जाके जो है लोग जो है रोजगार ले सकते हैं। इसके अलावा फसल उत्पादन, जितनी भी उद्यानिकी फसलें हैं तो उत्पादन के लिए जो है हमें जो है मानव शक्ति की ज़रूरत होती है, और मानव शक्ति में उत्पादन में भी एक जो है फार्म मैनेजर होगा, उसके अंडर में सुपरवाइजर्स होते हैं, और सुपरवाइजर के अंडर में मानव शक्ति होती है, उसके ऊपर सबसे ऊपर निदेशक भी हो सकते हैं। तो हर एक कंपनी का अलग अलग जो है फ्लो चार्ट होता है, उसके पद होते हैं, तो वहाँ पे जाके रोजगार आपको मिल सकता है। फसल सुरक्षा में आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों में भी जॉब कर सकते हैं। तोड़ाई उपरांत प्रबंधन होता है, फसल और सब्जी जब टूट जाती है उसके बाद उसका प्रबंधन करने के लिए, चाहे वो प्री कूलिंग करना हो आपको, चाहे उसकी पैकेजिंग करना हो, चाहे आपको ग्रेडिंग करना हो, चाहे उसे आपको बाहर एक्सपोर्ट करना हो, उसमें भी आपको रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ में जो सिटीज होती हैं, शहर होते हैं, उसमें पार्क होते हैं, हरित क्षेत्र होते हैं, ग्रीन एरिया जिनको बोलते हैं, हरित पट्टिकाएँ होती हैं रोड सड़क के आसपास, वहाँ पर जो है उनके रख रखाव के लिए भी आपको रोजगार दिया जाता है। ये जो है आपको सरकारी गैर सरकारी दोनों संगठनों में दिया जाएगा। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो है रोजगार आपको प्रदान करती हैं साज सज्जा में, चाहे आपको स्टेज सजाना हो या कोई VIP आ रहा हो उसका डायस सजाना हो, उसके लिए भी जो है आपको रोजगार मिलता है। इसके अलावा आयात निर्यात संबंधी जो भी प्रक्रियाएं औद्यानिकी की होती हैं उसमें भी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। नर्सरी और प्रवर्धन में भी आपको रोजगार मिलेगा, आप नए पौधे बना सकते हैं और नए पौधे को बेच सकते हैं, और उससे संबंधित बहुत सारे रोजगार भारतवर्ष में स्थापित हो चुके हैं। साथ ही जो औद्यानिकी से संबंधित मशीनरी है, चाहे ग्रेडिंग मशीन हो, चाहे ओकरा पलकर हो, चाहे उसके बाद आपका आम मैंगो हार्वेस्टर हो, तो उन सब में भी जो है उस मशीनरी को तैयार कर सकते हैं और बेच सकते हैं, और उसके लिए भी आपको टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता है और रोजगार
आपको मिलेगा। साथ ही साथ में आप परामर्श भी दे सकते हैं किसी भी किसान को, किसी भी कंपनी को, कि कौन सी चीज़ें जो है हम अगर फसल उत्पादन में उपयोग में लाएं तो फसल अच्छी होगी, तो आप परामर्शदाता भी बन सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ पर्यावरणीय महत्व भी हैं, जैसे ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर जो है पेड़ों और झाड़ियों की एक सघन पंक्ति होती है, जैसे कोई हॉस्पिटल है या स्कूल है रोड के किनारे है, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बहुत ही सघनता के साथ जो है झाड़ियाँ और पेड़ लगा देते हैं, जिससे शोर उनकी पत्तियों में अवशोषक हो जाता है और अंदर बिल्कुल शोर नहीं आता है। इसी को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। ग्रीन मफलर से एक तो शोर नहीं आ पाता है अंदर, और दूसरा धूल के कण भी जो हैं पर्टिकुलर जो आपकी संस्था है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट जो है आजकल सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा वायु शोधन में भी जो है पेड़ पौधे काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। जो वायु जो हमारे वाहन होते हैं उनसे जो गैस निकलती है या निलंबित कण होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल्स होते हैं, उनको भी जो है हमारे वृक्ष जो होते हैं वो शोषित कर लेते हैं और वायु प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मृदा संरक्षक की भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि ये मृदा अपरदन को पूरी तरीके से रोक देते हैं, और इनकी जड़ जो हैं सीमेंटिक एजेंट का काम करती हैं, जिससे कि मृदा के कण टूट नहीं पाते हैं और दूसरी जगह टूट कर बह नहीं पाते हैं। और इसके साथ ही साथ जब आंधी वगैरह चलती है तब भी जो है वायु में जो है मृदा के कण ज़्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो हमारी सरफेस होती है वो वेजिटेशन से ढकी हुई होती है। इसके अलावा पादपोपचारण जिसको बोलते हैं, फाइटो रेमेडिएशन भी किया जाता है। तो सैलिक्स और पॉपुलर के जो पेड़ होते हैं वो आजकल फाइटो रेमेडिएशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसी मृदाएं जिनमें हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें इन पौधों को लगाकर जो है हैवी मेटल्स को सेक्वेस्ट्रेशन कर लिया जाता है। इसके अलावा तापमान नियंत्रण की बात करें तो जितने भी पौधे हैं जहाँ पे ग्रीनरी होती है, तो पौधे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी हीट जो होती है उसको ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है। इसलिए अगर जहाँ पौधे लगे हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम रहती है, जिससे कि जो ऊष्मा है वो ट्रैप नहीं हो पाती है, और ऊष्मा जो ट्रैप नहीं होगी तो वहाँ का तापमान कम रहेगा। आजकल जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उसमें जो है रूफ गार्डनिंग बनाए जा रहे हैं, या जो संस्थान हैं वहाँ का हमेशा आपको तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा जो बाहर का सिटी का तापमान है उससे। और इस पर बहुत सारे जो हैं शोध हो रहे हैं, और शोधों में साबित हो चुका है कि पौधे जो हैं तापमान नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ ये खाद्य श्रृंखला के बहुत ही उपयोगी जो हैं औद्यानिकी फसलें जो हैं तत्व हैं, और ये खाद्य श्रृंखला में बहुत सारे जीव जंतु जो हैं इस पे निर्भर हैं। साथ में आप देखते हैं पोषणीय महत्व। तो पोषणीय महत्व जो है इसमें जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, तो ऐसे आप जान सकते हैं। तो विटामिन यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे इसमें दो प्रकार का अगर हम वर्गीकरण करें विटामिन हो सकते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे जो हैं फैट में, जो दूसरे जो हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो एक वसा में और दूसरे जल में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ADEK, और जो जल में घुलनशील विटामिन है B और C हैं। तो सबसे पहले अगर देखें विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल है, और इसकी कमी से जो विकार हो जाते हैं उनका नाम रतौंधी एवं जीरोथैपलेमिया है, और दैनिक आवश्यकता जो है 1000 माइक्रोग्राम होती है। ये 1000 माइक्रोग्राम जो है एक एवरेज एडल्ट के लिए है, बल्कि व्यक्ति की आयु के अनुसार उसके काम के अनुसार इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। जितनी भी इसमें दैनिक आवश्यकताएँ लिखी हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ये खासकर भारतीय पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है डोज निश्चित करती है ICMR के अनुसार की गई है। आप ICMR की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को, कैसे काम करने वाले व्यक्ति को कितने पोषण की आवश्यकता है। तो अगर आप देखोगे विटामिन ए जो है अरबी की पत्तियाँ जो कोलोकेसिया लीव्स होती हैं सबसे ज़्यादा उसमें विटामिन ए पाई जाती है 10,278 माइक्रोग्राम। इसके अलावा गाजर आम पपीता, तो आम में 4800 IU पाई जाती है, जबकि पपीता में भी विटामिन ए पाई जाती है। अगला है बीवन, बीवन को थायमीन के नाम से जानते हैं, और ये वेरी वेरी नामक रोग इसी से होता है। इसकी जो दैनिक आवश्यकता है 1.4 मिलीग्राम है, और विटामिन B1 काजू अखरोट और खुबानी में पाई जाती है। इसके अलावा B2 राइबोफ्लोविन जिससे त्वचा का फटना हो जाता है 2 मिलीग्राम प्रति दिन आवश्यक होती है, ये बेल में 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है। इसके साथ पपीता में लीची में भी विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन पाई जाती है। नियासिन जिसको विटामिन B3 कहते हैं इससे त्वचा का विकार हो जाता है, ये एवोकेडो ग्रीन पी और आलू में पाई जाती है, और 14 मिलीग्राम इसकी दैनिक आवश्यकता होती है। इसी तरीके से B5 जिसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं
ये बाल सफ़ेद होना या मंदबुद्धि होना जो है इसके होने वाले विकार हैं, और कुछ मिलाकर जो इसकी दैनिक आवश्यकता जो है 5 मिलीग्राम की होती है, और ये भी एवोकेडो ब्रोकली और आलू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बायोटीन, जिससे लकवा या बालों का गिरना जो है बायोटीन के कारण होता है, 40 माइक्रोग्राम इसकी दैनिक हो सकता है। बादाम, अखरोट व अन्य नट में पाई जाती है। फल एवं सब्जियों या औद्यानिक फसलों में या कोई भी वेजिटेशन में जो सबसे विटामिन रेयर पाई जाती है उसका नाम है साइनोकोबालामिन या विटामिन B12। तो विटामिन B12 के जो वेजिटेशन या वेजिटेटिव स्रोत हैं बहुत ही कम हैं वनस्पति के स्रोत, इसलिए ये फल एवं सब्जियों में नहीं पाई जाती है। इसके कमी से रक्त अल्पता होती है, और इसमें कोबाल लिखा है तो यानी इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसको लिख दिया आपको कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, तो आप कोबाल्ट लाओ बताओगे। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन है। इसके अलावा एस्कार्वी अम्ल की अगर बात करें तो इससे एस्कार्वी हो जाती है, ये 80 मिलीग्राम इसकी दैनिक आवश्यकता है, और ये आवश्यकता जो है एडल्ट चिल्ड्रेन और महिलाओं के अनुसार कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बारबाडोस चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है, इसके अलावा आंवला, सी बकथार्न और अमरूद में भी जो है विटामिन सी पाई जाती है। बाकी के और भी फ्रूट्स पाओ पाओ हैं जिन पर अभी भी खोज चल रही है। डी विटामिन डी को कैल्सीफेराल बोलते हैं, इससे रिकेटस या अस्टिमलेशिया हो जाती है, 600 आयु की ज़रूरत होती है। तो इसमें D2 और D3 विटामिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, या अखरोट में पाई जाती है। ऐसे ही विटामिन ई, जिसको टोकोफेराल के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से बंधता हो जाती है, स्टेरिलिटी हो जाती है, और ये 7.5 से 10 मिलीग्राम चाहिए होती है। जितने भी बादाम हैं या जितने नट हैं उनमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और लास्ट जो आखिरी विटामिन है उसको विटामिन की के कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसका फाइलोक्विनोन है। ये रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से। ये 55 माइक्रोग्राम जो है इसकी दैनिक आवश्यकता होती है। जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं, प्याज है, लहसुन है, इनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो यहीं तक। आगे भाग दो में हम देखेंगे कि पोषणीय महत्व में खनिज का क्या रोल है, और उसके बाद अमीनो एसिड्स का क्या रोल है, उसके बाद इसके सोशल इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं, और जो है इसके अन्य इम्पोर्टेंस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बार बार जो है आपके ग्रुप में डालना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए धन्यवाद।